नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे लोदी वंश के बारे में, और लोदी वंश के समय हम लोग सिकंदर लोदी को पढ़ लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे लोदी वंश में लोदी वंश के अंतिम शासक या सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में। और इब्राहिम लोदी के समय में ही हिंदुस्तान में बाबर का आक्रमण हुआ, और बाबर ने एक नए राजवंश की नींव डाला, हिंदुस्तान में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने जो हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव डाली। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। और दूसरा घटना दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक दर्दनाक घटना घट गया है उड़ीसा में न, वहां पे जो है कि तीन ट्रेन आपस में टकराए जाने के कारण से लगभग 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय इतिहास में एक दर्दनाक घटना हो गया ये। और कई बार ऐसी हादसा हुई है, ट्रेन हादसा, लेकिन कहीं कहीं 250 लोगों की मतलब जान चली जाना एक हादसा के कारण से कहीं कहीं दर्दनाक है। और जिन परिवार का भी मतलब सदस्य उसमें था, ठीक है, तो उसका दिल बड़ा करे। ठीक है, दुआ है कि उन लोगों की दिल बड़ा हो और कहीं कहीं उस सहन शक्ति मिले उन लोगों को। ठीक है, और कहीं कहीं बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हो गया है। आप लोगों को पता है कि दो मतलब की ट्रेन और एक मालगाड़ी, यानी दो पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी, तीन ट्रेन आपस में टकरा गई है, और जिसके कारण से लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो गई है पिछले दिनों, आप लोगों को पता ही है। और दूसरी तरफ दोस्तों, रूस और यूक्रेन दोनों रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, रूस एकदम ठान ही लिया है कि यूक्रेन को बिल्कुल समाप्त ही कर देना है। और कहीं कहीं स्थिति ऐसी हो गई है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय युद्ध जैसा हालात हो गया है। ठीक है, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, इधर पुतिन भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इधर जेलेंस्की भी मतलब हार मानने को तैयार नहीं है। यानी हालात ऐसा हो गया है कि वहां तृतीय युद्ध जैसा हालात बन गया है। अब परिस्थिति ये हो गया है कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। उधर एक तरफ तो एकदम पूरा जो कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक कंट्री, यानी कि जो 30 सदस्य हैं वो, और इधर आपका रशिया अलग है, रशिया भी उसका मेंबर है, लेकिन हालात ऐसा हो गया है कि अब उधर सारे के सारे नाटो के कंट्री जो है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। इधर रशिया को जो है कि चीन सपोर्ट कर रहा है। अब भारत जो है असमंजस में है कि किधर सपोर्ट किया जाए न, भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि सब तरफ तो मित्र ही मित्र बन चुका है। तो इस परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि अभी यूक्रेन और रूस का हालात को देखिए तो शहर पे इस तरीके से बमबारी किया जा रहा है कि वहां एक भी लोग नजर नहीं आ रहा है। वहां के लोग जो है हथियार लेकर के तैयार हो गए हैं। आप सोचिए कि कौन सा दौर में हम लोग जी रहे हैं, कौन सा दौर में है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे बम बारूद गिरा रहा है, उसकी जान को इसलिए ले रहा है कि क्योंकि अपनी वर्चस्वता को साबित करना है। ये भौतिकतावादी समाज है दोस्तों, ये मतलब आज के समाज के लोग जो है ना सिर्फ पैसे पे भाग रहा है, ये देख ही नहीं रहा है कि रिश्ता नाता इंसानियत मनुष्य का जान क्या है, ये समझ ही नहीं रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान का हत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि अपनी वर्चस्वता को साबित करना है, और इसको लेकर के बम बारूद गिरा रहा है, गोला बारूद गिरा रहा है, और लोगों की कितने लोगों की हत्या हो गई है। आप लोगों को पता ही है कि बम बारूद से कितने घर तबाह हो गए, वो लोग बेघर से बेघर हो गए। कितनी अच्छा जीवन चल रहा था, कोई अधिकारी था वहां, कोई अच्छा जीवन चल रहा था, कोई सामान्य जीवन जी रहा था, सब के सब कोई पढ़ाई कर रहा था, अपने अपने जीवन में व्यस्त था। एक छोटी सी घटना के कारण जो है आज सब घर, सबका घर खत्म हो गया। जो अधिकारी वहां अधिकारी के रूप में काम कर रहा था उसको आज तंबू गाड़ करके रहना पड़ रहा है। तो परिस्थितियां क्या हो जाएगा, किसके साथ हालात कैसे चेंज हो जाएगा, ये किसी ने देख करके नहीं आया है। ठीक है, और ये आज के समय में इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान की जो अहमियत है उसको समझ ही नहीं रहा है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ वर्चस्वता के पीछे भाग रहा है कि अपने आप को कैसे सर्वोच्च साबित करना है, चाहे दूसरे की जान क्यों ना लेना पड़े। ये हालात हो गया, हम लोग इस हालात में जी रहे हैं। प्रकृति का भी एक तरफ विनाश होते जा रहा है, तापमान टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस बार टेम्परेचर मतलब अनुमान है कि लगभग 50-52 डिग्री हो जाएगा। सोचिए क्या हालात होगा। और यहाँ दिल्ली का टेम्परेचर तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है हालात, तो यहाँ पे प्रदूषण इतना है कि कहाँ नहीं बाहर निकलना मुश्किल है। ये हालात है, उधर बम और गोला इतना मतलब ये गिराया जा रहा है कि उससे भी टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है।
बहुत सारा समस्याएं चल रही है अभी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में और भारत में ये सारी घटनाएं देखने को आए दिन मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं इन सब चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए, देखिए। ठीक है, चलिए। हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक है, जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा पूरी दुनिया को कैसे ये देखना है, और मैथ अगर पूरा समझ में रहेगा तो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग का आज टॉपिक है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का जो शासन काल है ये 1517 से लेकर के 1526 तक है, और 1526 में ही बाबर आक्रमण करेगा हिंदुस्तान में और युद्ध होगा पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध में जो है बाबर पराजित कर देगा इब्राहिम लोदी को, हिंदुस्तान में कौन सा वंश का युद्ध डाला जाएगा, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश इस तरह से हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग इब्राहिम लोदी को समझ लेंगे कब, हम लोग बाबर से ही स्टार्ट करते हैं और बाबर का पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं, फिर इब्राहिम लोदी का पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे और दोनों को साथ साथ लड़ा देंगे युद्ध को। ठीक है, तो किसी तरीके से भी तो हम लोग दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम लोगों को पढ़ना है। पहले हम लोग बाबर को देखते हैं कि बाबर कहाँ से था, बाबर का जन्म कहाँ हुआ, बाबर रहने वाला कहाँ का था। ठीक है, ये जो मुगल था ये किसका वंशज था, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे एशिया का मैप बना लें, चाहे चार पांच कंट्री का मैप बना लें तो भी काम चल जाएगा। देखिए, अगर हम इंडिया से ही शुरुआत करते हैं, इंडिया का मैप पहले बना लेते हैं। देखिए, और आप लोग भी मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा एकदम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए मैप को खींचने का, और ये आपका रिटन स्किल में बहुत काम देगा, आपका बीपीएससी का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, अभी 3-4 महीना तो टाइम है, आप लोग रणनीति बना लीजिए बीपीएससी का। ठीक है, 4 महीना यानी लगभग 120 दिन में 4-5 दिन घटा दीजिए, लगभग वही टाइम आपके पास बचा हुआ, एक मोटा मोटा मैप खींच लिए, उधर जगह कम है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, और इधर है आपका पाकिस्तान। इस तरीके से आप जाएंगे उत्तर पश्चिम में हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी मिल्क न, जिससे सबसे अच्छा दोस्ती चलता है क्या, पाकिस्तान से, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जब आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ देखिए इधर पड़ता है, पहले ईरान बना लेते हैं, जो ईरान की सीमा है ये पाकिस्तान से साझा करती है। ठीक है, जो ईरान की सीमा है ये पाकिस्तान से साझा करती है, और अफगानिस्तान ऐसे करके अफगानिस्तान होते हुए ये पूरा का पूरा ईरान है, ये पूरा ईरान है, और ईरान का जो उत्तरी भाग है और अफगानिस्तान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ पे एक कंट्री है इस तरीके से। ठीक है, ये है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के अगर आप इधर ये जाएंगे ये वाला हिस्सा, तो ये है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान यहीं पड़ता है ताशकंद, जहां ताशकंद समझौता में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया आपका ईरान, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और उसके बाद इधर जाएंगे तो आपको मतलब कजाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, कजाकिस्तान इस तरीके से कुछ कंट्री है। ठीक है, कजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं रखती है, इधर यहाँ पे आपका चीन है, चीन से रखती है, और चीन का इधर आपका मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया है, तो इस प्रकार से आप एटलस में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को बाबर का नाम ये पढ़ना है, तो उस समय देखिए हिंदुस्तान में उस समय यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे ये आपका दिल्ली है, दिल्ली है, और आगरा राजधानी है, दिल्ली और आगरा, आगरा भी राजधानी बन चुका था। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, इब्राहिम लोदी, यहाँ पे आपका इब्राहिम लोदी, एक बार देख लें ठीक से चल रहा है या नहीं, इधर का मैप थोड़ा कटा हुआ है। ठीक है, चलिए उधर से जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ है आपका इब्राहिम लोदी। अब हम लोग को पढ़ना है बाबर के बारे में, पहले बाबर पढ़ लेते हैं फिर हम लोग हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी को पढ़ेंगे, क्योंकि उधर हम लोग लोदी वंश पढ़ ही लिए हैं तो लगभग है उधर क्लियर। अब देखिए, बाबर जो रहने वाला था ये उज्बेकिस्तान में, दो नदी है। ठीक है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं दो नदी यहाँ पे, यहाँ पे है एक नदी आमू दरिया और एक नदी है सिर दरिया। इस दो नदी का जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना,
ये दो नदी का बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ट्रांस ऑक्सियाना। और ट्रांस ऑक्सियाना में दो क्षेत्र पड़ता था, वहीं का वो शासक था। एक यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, ये उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है समरकंद, समरकंद। और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में है बुखारा, बुखारा सॉरी फरगना, बुखारा और नीचे फरगना, ठीक है। ये है आपका फरगना। अब बाबर का जन्म इसी फरगना में हुआ है, बाबर का जो जन्म है इसी फरगना में हुआ है, ठीक है। यहीं का रहने वाला था वो। यहाँ है आपका मंगोल। अभी सबका हम लोग पृष्ठभूमि एक एक करके तैयार कर देंगे, कभी दिक्कत ही नहीं होगा आप लोगों को इतिहास पढ़ने में। कहते हैं कि इतिहास रचना है, बिल्कुल नहीं रचना है, बस आप मैप को अपने हाथों में रखिए, बाकी कहानी की तरह इतिहास को एकदम आप लोग चट जाएंगे, ठीक है। और इतिहास को रटने की तो जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है, बस कहानी की तरह इसको लीजिए बस। हाँ थोड़ा सा डाटा में दिक्कत होती है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे ना, कभी डाटा उतना डाटा की जरूरत नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो डाटा ऐसे ही निकाल लेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बस तरीका होनी चाहिए पढ़ने का। और बीपीएससी का एग्जाम आ गया है, और एग्जाम वही लोग अब अटेम्प्ट करें जिसका सिलेबस कम्प्लीट है। तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिए, लाइफ है, एक ही तो लाइफ मिला है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं इसमें वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि करना क्या है, ठीक है। चलिए समरकंद और फरगना। अब देखिए पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाबर का जन्म इसी फरगना में हुआ था। तो पहले हम लोग बाबर के बारे में पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, बाबर को जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग बाबर को पढ़ लेते हैं। बाबर देखिए, बाबर की जो जानकारी है, जो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा। इसने अपनी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, बाबरनामा। इस बाबरनामा में सारी जानकारी है। मुगल बादशाह में एकमात्र, ये सबसे पहला मुगल बादशाह है जिसने अपने खुद आत्मकथा लिखी है, और इसकी भाषा तुर्की भाषा है। ये जो बाबरनामा लिखा गया है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और ये मुगल बादशाह का पहला मुगल बादशाह हुआ जो अपनी आत्मकथा लिखे, ठीक है। और दूसरा मुगल बादशाह तो जहांगीर था, जिसने तुजुक ए जहांगीरी लिखा था, उसने भी अपनी आत्मकथा लिखा था, जहांगीर, ठीक है, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए उसी से यही बाबरनामा से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए बाबरनामा में जो इसका जन्म है, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में, ठीक है। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। जन्म 14 फरवरी 1483 को उसका जन्म हुआ। कहाँ पे? तो ये आपका फरगना में हुआ, फरगना। फरगना कहाँ पड़ता है? ट्रांस ऑक्सियाना में पड़ता है। और फरगना का जो एग्जैक्ट इसका गांव का नाम था, उसका नाम था मौरा उल नहर। फरगना का इसका गांव का नाम है मौरा उल नहर, मौरा उल नहर इसका गांव का नाम, यहीं पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये बाबर का, ठीक है। और बाबर जो है, अपने पिता की तरफ से, पांचवें, ठीक है, पांचवें। इनका पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। और ये जो है उमर शेख मिर्जा जो है, ये उमर शेख मिर्जा के बारे में, ये तुर्क के तरफ से जो मतलब जो भारत में आक्रमण किया था, ठीक है, जो तैमूर था, तैमूर के तरफ से ये पांचवें वंशज था। ये तैमूर के तरफ से उमर शेख मिर्जा पांचवें वंशज था, ठीक है। इसका तो ये तैमूर का, पहले हम लोग पृष्ठभूमि तैयार कर लें। जबकि इसकी जो माता है, ठीक है, ये मंगोल शाखा से है, मंगोल में जो चंगेज खां है, चंगेज खां की शाखा से, ठीक है। तो इसकी माता का नाम है क्या? कुतलुग निगार खानम। तो इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम, ठीक है। और ये जो कुतलुग निगार खानम है, ये जो है मंगोल के तरफ से 14वें वंशज है, ये 14वें, ठीक है। देखिए अगर हम उमर शेख मिर्जा की पांचवें वंशज की बात करें, ये तैमूर से है, तो देखिए तैमूर जो है, तैमूर का पुत्र हुआ मरीन शाह, देखिए मरीन शाह, और मरीन शाह का पुत्र हुआ, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का
पुत्र हुआ अबू सैयद, अबू सैयद, ठीक है। और अबू सैयद का पुत्र हुआ उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा का पुत्र हुआ बाबर, ठीक है। तो इस तरीके से वंशज था। तो देखिए ये हो गया बाबर का पिता, बाबर का पिता अबू सैयद हो गया उनका दादा, उनका दादा। ये हो गया उनका परदादा, पर दादा, ठीक है। और ये हो गया लकड़ दादा, लकड़ दादा, ठीक है। और इसका लकड़ दादा किसका था, तैमूर का वंशज था। तो इस तरीके से एक दो तीन चार, यानी तैमूर का एक दो तीन चार पांचवे वंशज कौन हो गया, उमर शेख मिर्जा, उनका पिता उमर शेख मिर्जा पांचवे वंशज, उसका पुत्र हो गया बाबर, ठीक है। तो बाबर का लकड़ दादा का नाम आपको पता चल गया। ये एनसीईआरटी में दिया गया है सेवेंथ क्लास का, वहीं से हम लिए हैं, ठीक है। अलग अलग चीजों से हम तो आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो तीन चार बुक का अध्ययन करके उस सभी का डाटा कलेक्ट करके फिर जो है एक जगह एकत्रित करके फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एनसीईआरटी है, अलग अलग बुक का अध्ययन करके बताते हैं और सबको एकत्रित करके आप लोगों को एकदम सुविधा बना देते हैं कि कहीं दिक्कत ना हो, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको कलेक्ट करके एक में डाल दिए, यही तो आजकल सुविधा हो गया है, ठीक है। तो ये बाबर जो है इसका वंशज था, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नीचे कर तो नहीं रहा है, चलिए ठीक। तो बाबर, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसी तरीके से कुतलुग निगार खानम मंगोल का जो है चौदहवें मतलब शाखा से था, चौदहवें वंशज था, जिस तरीके से ये बाबर का पिता पांचवें वंशज था, ठीक है। और ये जो उमर शेख मिर्जा, मिर्जा जो है ना, मिर्जा जो है, हाँ, अब एक बात ध्यान में रखे, पहले ये बताते हैं, ये तैमूर और ये हो गया मंगोल, इन दोनों का मिश्रण को, इन दो तैमूर और दोनों का मिश्रण को जो है क्या कहा गया, मुगल कहा गया। मुगल में चगुताई तुर्क, चगु देखिए चगुताई तुर्क कहा गया। तुर्क का टोटल 64 प्रजाति है, तुर्क का जो है 64 प्रजाति है, आप लोगों को बताए हैं, जैसे शमसी तुर्क, इलबरी तुर्क, ठीक है, चगुताई तुर्क, उस्मानी तुर्क, ठीक है, इस प्रकार से 64 प्रजाति है तुर्क का। तो उसमें से इन लोगों ने तैमूर का वंशज हो गया इसके पिता, और इसके माता मंगोल का वंशज, दोनों का मिश्रण को चगुताई तुर्क कहा गया। और इस चगुताई तुर्क में एक क्या परंपरा था कि जब तक पिता जिंदा रहेगा, जब तक पिता जिंदा रहेगा उसका पुत्र शासक नहीं बनेगा, ठीक है। पुत्र शासक जब तक पिता की मृत्यु ना हो जाए तब तक मतलब पुत्र शासक नहीं बनेगा। लेकिन इस चगताई परंपरा को, चगताई तुर्क की ये परंपरा है, इस परंपरा को कौन तोड़ेगा आके, औरंगजेब। औरंगजेब जो है शाहजहां की मतलब शाहजहां जिंदा ही रहेगा उसको जेल में डाल देगा, और अपना बड़ा भाई जो दारा शिकोह था उसकी हत्या करके, आप लोगों को पता है कि उसकी हत्या करके मतलब औरंगजेब गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। तो चगताई तुर्क का जो ये परंपरा था कि पिता जब तक रहेगा तब तक पुत्र शासक नहीं बनेगा, इस परंपरा को औरंगजेब तोड़ेगा, ठीक है। ये इसकी परंपरा था, ये चगताई तुर्क कहलाया। देखिए ये वास्तविक रूप में माता की शाखा से मंगोल शाखा से रहेगा, ठीक है। ये अपने आप को मंगोल नहीं कहता था बाबर, क्योंकि मंगोल जो है थोड़ा लुटेरा प्रवृत्ति का था, खूंखार प्रवृत्ति का था, ठीक है, लड़ाकू था, लुटेरा था, इसीलिए इस अपने माँ के वंशज से बाबर अपने आप को नहीं जोड़ता, उसको हीन दृष्टि से देखता था, इसीलिए उसने अपने मतलब पिता के वंशज से जोड़ा अपने आप को, और ऐसे भी पिता का ही वंशज चलता है, ठीक है। इसलिए उसने तैमूर और मंगोल मिलाकर के ये बना चगताई तुर्क। तो ये चगताई तुर्क से था बाबर, और बाबर का पिता का जो शासन था ये समरकंद और कहां था, फरगना में था, क्योंकि फरगना में बाबर का जन्म हुआ और समरकंद भी उसके इलाके में था, ये पूरा क्षेत्र में उसका पिता जहां शासन कर रहा था, ठीक है। तो उमर शेख मिर्जा का शासन समरकंद और फरगना में था, और बाबर का जन्म फरगना में कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, ठीक है। अब लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे उज्बेकों का कब्जा हो गया, उत्तर क्षेत्र में उज्बेक था, उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है, उज्बेकों ने यहाँ कब्जा कर लिया, ठीक है। अब 14 फरवरी कहा जाता है, अब देखिए इधर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा इधर भी जाना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग एकदम मैप से पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कहते हैं कि रटना पड़ता है, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, इतिहास तो रटने का चीज ही नहीं है, सबका मानना है कि इतिहास रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, जबकि बिल्कुल ये गलत है,
आप कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा। बस हमारा ट्रेंड हो गया है कि सारे टीचर जो है रटाने में लगे रहते हैं, कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं है, जिसके कारण से सबको मानसिक रोग हो गया है कि इतिहास रटना है, इतिहास उनके बोरिंग लगता है, जबकि इतिहास हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे पूरी दुनिया की जानकारी मिलेगा आपको, और बिना इतिहास पढ़े हुए आप एक अच्छा बेहतर मतलब कि अध्ययनकर्ता नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि इतिहास ही हमें पूर्व के बारे में बताता है, इतिहास से ही सारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, हर विज्ञान रहे, गणित रहे, साइंस रहे, हर चीजों की उत्पत्ति जो है, ठीक है, चाहे भूगोल रहे, हर चीजों की उत्पत्ति इतिहास से। हालांकि भूगोल से सब चीजों की उत्पत्ति है, लेकिन उसके बाद इतिहास से सब चीजों की, क्योंकि इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट को संजोए करके रखता है। क्यों? मतलब अगर कोई डॉक्टर बनता है, विज्ञान पढ़ता है, तो विज्ञान का भी तो एक इतिहास है, कब से शुरुआत हुआ, सबसे पहले उसमें खोज किसने किया, एक इतिहास है। तो सारे सब्जेक्ट को मतलब ये सारे सब्जेक्ट का कोर्स बन गया है इतिहास। इसीलिए इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, इसका नोट्स बेहतर बना लीजिए, पूरी दुनिया को समझ लेंगे आप। ठीक है, जितना भी नया नया घटनाएं होगा उनको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब जब मतलब समरकंद और ये फरगना में इनका पिता शासन कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ का यहाँ किसका शासन था? उमर शेख मिर्जा का, उमर शेख मिर्जा का शासन था। लेकिन कहा जाता है कि उमर शेख मिर्जा का जब मृत्यु के कगार पे था, इसकी मृत्यु जो है मतलब उज़्बेकों का मतलब इसमें कब्जा हो गया था, इसके पिता का जो हत्या कर दिया था उसका नाम था अहमद खान। 1194 ईस्वी में इसकी पिता 1494 ईस्वी में जो है, ठीक है, इसके पिता की हत्या कर देता है अहमद खान द्वारा, अहमद खान। अब देखिए बाबर का जन्म कब हुआ है? 1483 में हुआ है, 83 में हुआ है। ठीक है, और 1494 में अहमद खान की मृत्यु हो गया था। अभी बाबर कितने वर्ष का है? तो 83 10 93 यानी 11 वर्ष का है। जब उमर शेख मिर्जा की हत्या हो गई तो उस समय समरकंद में, ये वाला जो समरकंद का इलाका है, इसमें जो है उज़्बेकों का कब्जा हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उज़्बेकों का कब्जा हो गया। एकदम एक एक करके पूरा पृष्ठभूमि को समझ लेना है। ठीक है, यानी कि जिस समय 1494 में उमर शेख मिर्जा का दोनों में शासन था, लेकिन इसकी जब हत्या की जा रही थी तो उस समय उधर उज़्बेकों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब मतलब समरकंद में उसका कब्जा हो गया, जबकि मूल क्षेत्र वही था बाबर का। ठीक है, मूल क्षेत्र वही था, अहमद खान ने उसकी हत्या कर दिया। उस समय बाबर 1483 में जन्म हुआ था, ये मात्र 11 वर्ष का था बाबर। ठीक है, 11 वर्ष का था, तो बाबर को जो है उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अब वो खुद शासन में बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाबर जो है 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा। ठीक है, और जो सबसे कम उम्र में सिंहासन पे बैठा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि अकबर जो शासन में बैठा था वो 13 वर्ष 4 माह, अकबर जो शासन में बैठा वो भी छोटा था। ठीक है, उसका संरक्षक बैरम खां बना था, तो 13 वर्ष 4 माह का था अकबर, जबकि बाबर मात्र 11 वर्ष का था जो गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पे बैठ गया। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके क्षेत्र में सिर्फ फरगना रहा। हाँ, इसने जो अपनी राजधानी बनाया था अंदिजाल को बनाया था। ठीक है, अब 11 वर्ष की आयु में जब बाबर गद्दी पर बैठा, इसकी राजधानी कहाँ था? अंदिजाल, अंदिजाल ये इनकी राजधानी था, राजधानी था। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी राजधानी अंदिजाल है। ठीक है, और इसके क्षेत्र में एक ही क्षेत्र है फरगना, फरगना। और समरकंद पे किसका कब्जा हो गया है? समरकंद पे कब्जा हो गया है उज़्बेकों का, उज़्बेक। और उज़्बेक का जो इस समय नेता था, यानी उज़्बेक का जो इस समय प्रमुख शासक था, सैबानी खां था। इसका शासक था सैबानी खां, सैबानी खां। अब सैबानी खां जो है उज़्बेक शासक है, ये बहुत खतरनाक था, ये लड़ाकू प्रवृत्ति का था। ये उज़्बेक जो है बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति का, खतरनाक था, लुटेरा था ये। ठीक है, अब देखिए, अब बाबर चाह रहा है कि अपना वंशज का जो जमीन है समरकंद को लौटाएगा। यानी ये गद्दी पर जब बैठा तो समरकंद तो उज़्बेकों ने छीन लिया है, अब बाबर जब 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा तो ये चाह रहा था कि इसका जो वंशज का जमीन है, इसकी जो मातृभूमि है, उसको मतलब उज़्बेकों से छीने। तो ये प्लानिंग कर रहा था कि हम उज़्बेक पर आक्रमण करेंगे,
ये प्लानिंग ही कर रहा था कि हम उज्बेक पर आक्रमण करेंगे, लेकिन फिर से उज्बेकों ने ही इसी के बाबर सोच रहा था कि हम आक्रमण करेंगे इस पर सैबानी खान पर, लेकिन सैबानी खान ने ही उल्टे इसके क्षेत्र फरगना पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब इसी के क्षेत्र फरगना पर आक्रमण कर दिया, जब आक्रमण कर दिया तो बाबर के पास कोई चारा नहीं बचा। ठीक है, आक्रमण करके उल्टे जो है लूटपाट किया। अब इधर एक घटना हो गया कि अब मतलब बाबर के बहुत इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ, एक घटना ये हो गया इधर। अब उधर एक और घटना हो गया, इधर आपका काबुल और कंधार का इलाका पड़ता है अफगानिस्तान में। देखिए आप मैप निकालिएगा तो कंधार यहाँ पे है आसपास में, यही कंधार अफगानिस्तान में। ठीक है, और काबुल है यहाँ पे, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल यहाँ है। ठीक है, ये जो काबुल और कंधार का इलाका है यहाँ पे बाबर का चाचा शासन कर रहा था। ठीक है, बाबर का चाचा का शासन था इस क्षेत्रों में। अब घटना ये हो गई, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। ठीक है, पहले उधर चाचा का शासन काल को रोक देते, पहले इस एक घटना को समझ लीजिए, नहीं तो फिर उलझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, पहले हम चेक कर लें एक बार। देखिए पहले देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं, तो उज्बेकों ने सैबानी खान का नेता जब फरगना पर मतलब आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आक्रमण तो किया लेकिन बहुत नुकसान हुआ बाबर को, बाबर मतलब फरगना को बचा लिया, संभल गया, लेकिन उसने जो है मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ बाबर को, बचा तो लिया फरगना को। ठीक है, लेकिन पूरा तरीके से जाने तो नहीं दिया, लेकिन जब बाबर संभल गया तब उसने पहली बार जो है समरकंद पे मतलब इसने आक्रमण किया। जब ये बाबर फरगना पे संभल गया, स्थिति को ठीक कर लिया, तब बाबर ने जो है 1494 में, ठीक है याद रखिएगा 94 में ही, पर उसी समय 1494 में ही, ठीक है, बाबर ने पहली बार, ये बाबर का पहला आक्रमण था, पहली बार उज्बेकों के क्षेत्र समरकंद पे आक्रमण किया। ठीक है, समरकंद पे आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण तो असफल हो गया, असफल हो गया, लेकिन इसने अपनी असफलता से बहुत चीजें सीखा। कहते हैं जीवन में जब मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब स्थिति कमजोर पड़ जाए, ठीक है, लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसी वो कठिन परिस्थिति जीवन में इसलिए आता है, वो जीवन को एक नई सीख दे करके जाता है कि जीवन में परिस्थितियां इससे भी बद से बदतर भी हो सकता है। आप लोग अभी तुरंत रिजल्ट आया है यूपीएससी का, देखे ही होंगे, सब कोई जुड़े हैं सिविल सेवा से तो देखे ही होंगे ना, शायद उनका नाम है सूरज, सूरज चौहान या ऐसे कुछ नाम है, चौहान या कुछ टाइटल है। ठीक है, और उनका मतलब वो उनको प्रॉपर आईएएस मिला है, उनका स्थिति आप लोग देखे ही होंगे कि दोनों पैर कट चुका है ट्रेन में, 2017 में ही कट गया है, एक हाथ कट गया है, एक हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 अंगुली बचा है जो ठीक से नहीं है। ठीक है, 3 अंगुली है जो ठीक से नहीं हुए, व्हील चेयर पे चलता है। ठीक है, और उसने आईएएस निकाला, उसने जो है आईएएस निकाला है। तो जब उतनी कठिन परिश्रम के बावजूद भी, यानी उनको क्लास जाने के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है कि कैसे वो क्लास जाएगा, उसके लिए वो लड़ाई लड़ता है प्रतिदिन कि क्लास कैसे जाएंगे, लिखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि हम लिखेंगे कैसे, उसने अपने से एग्जाम में नहीं लिखा है। ठीक है, यूपीएससी का नियम है कि जब आपका हाथ खराब है, आप लिख नहीं पाते, किसी प्रॉब्लम में है, तो आपको एक लिखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो खुद पढ़ा और वो बोलते गया और वो लिखा। ठीक है, बस सिर्फ लिखने का काम करेगा, वो पूरा लिखेगा नहीं, आप जो बोलिएगा वही वो लिखेगा। और इस प्रकार से उसने यूपीएससी निकाला और आईएएस रैंक मिला है उसको। तो इसका मतलब ये है कि हालात कहीं भी पहुंचा सकता है इंसान को, दो पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ का 2-3 ही उंगली है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा और आईएएस की तैयारी में लग गया। इसका मतलब है कि कमी हम लोगों में होता है अगर हम लोग आईएएस नहीं निकाल पाते हैं। उस परिस्थिति में उसने ये करके दिखाया, इसका मतलब जब उस परिस्थिति में वो करके दिखाए तो हम लोग तो ठीक ठाक है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है। आप हाँ, ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करें पूर्ण रूप से, जैसे सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ें,
हर चीजों को फॉलो करें, उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जा रही है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने के बाद कहीं कहीं पीसीएस में जरूर हो जाएगा। ठीक है, 8-9 राज्य में पीसीएस देने के लिए मिलता है, यूपीएससी है, कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन ईमानदारी से सिलेबस पढ़ने के बाद गहन अध्ययन के साथ तो क्यों नहीं होगा। बस जो असफलता मिले उससे सीखने की जरूरत है। उसके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आया कि उसका हाथ पैर कट गया लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, इसका मतलब है कि परिस्थितियां कहीं भी जा सकता है लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, तो बाबर भी हार गया। एक तो उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वो 11 वर्ष का था, उनके पिता की मृत्यु हो गई, प्लस में समरकंद उससे छीना गया और उज़्बेकों ने फरगना पर भी आक्रमण कर दिया। ये हालात हो गया इनके साथ, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। ठीक है, फरगना को बचा लिया और बचाने के बाद खुद फिर 1494 में इसने उज़्बेकों पर आक्रमण किया। आक्रमण किया लेकिन यह असफल रहा, लेकिन इसने असफलता से सीखा, ये सीखा कि उज़्बेक हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमको और सेना बनाने की जरूरत है, हमारे में क्या कमियां है, हम मतलब हम अपने आप को कहां से मजबूत कर सकते हैं, क्या कमी है मेरे पास। उन सब चीजों को बाबर अपने आप को समझा पहले, कि हम अभी अपने आप को समझ रहे थे कि मेरे पास अच्छा सेना है ये है, लेकिन उसने नहीं समझ पाया था, उसने युद्ध की नीति को समझा और यही उज़्बेकों से उसने तुगलमा नीति सीखा था और यही नीति के कारण बाबर युद्ध हार गया था उज़्बेकों से। पहली बार जो असफल हुआ यही कारण से हारा था उज़्बेकों से, क्योंकि उज़्बेकों ने लड़ाकू प्रवृत्ति का उज़्बेक था, वो तुगलमान नीति का उपयोग किया था युद्ध में, और यही नीति का उपयोग बाबर कहाँ करेगा, हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ करेगा। ठीक है, तो ये चीजों को समझ, बाबर इस असफलता से सीखा कि मेरे पास क्या कमियां है, बाबर हिम्मत नहीं हारा, और यही एक वीर योद्धा एक बेहतर योद्धा का नीति होती है। और हम लोग भी एक योद्धा है जो सिविल सेवा में लगे हुए हैं, वो भी युद्ध का मैदान है हम लोगों के लिए, जहां कलम चला करके जीता जा सकता है। यहाँ तो तलवार चला करके जीत होता था, हम लोगों को कलम चला करके जीत मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी असफलता से सीखना चाहिए, ना कि उससे घबराना चाहिए। परिस्थितियां हालात कहीं भी लेके जा सकता है लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब 1497 में फिर से समरकंद में जो है अधिकार कर लिया उज़्बेकों ने। ठीक है, यानी उज़्बेकों से, यानी कि पहली बार 1494 में असफलता मिल गया, तो फिर से बाबर ने अपनी सेना को मजबूत किया, फिर से अपनी स्थिति को सुधारा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और फिर 1494 के बाद 1497 में उज़्बेकों पर हमला किया और इस बार जो है सफलता हाथ लगी। ठीक है, इस बार ये सफल रहा 1497 में, लेकिन दुर्भाग्य था बाबर का। कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी में मतलब हालात और परिस्थितियां ठीक होने के बावजूद बिगड़ जाता है, तो ये इनके साथ हुआ। कहा जाता है कि सफलता मिलने के बावजूद दुर्भाग्य बाबर का था कि बहुत दिनों तक इसकी सत्ता जो है, यानी फरगना और समरकंद में इसकी सत्ता नहीं रह पाया। स्थिति ये हो गया कि मात्र 100 दिनों तक ही अपने पूर्वजों की गद्दी को ये कब्जा में ले पाया, यानी कि सफलता मिला 100 दिन तक इसने फरगना और समरकंद को दोनों को अपने कब्जों में रखा, यानी अपने पूर्वजों की गद्दी को, अपने पूर्वजों की जमीन को अपने कब्जे में रखा। ठीक है, रखा, और फिर से सैबानी खान ने पुनः समरकंद पर कब्जा कर लिया। फिर से सैबानी खान ने क्या किया, पुनः जो है समरकंद पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से 100 दिनों के बाद समरकंद छीना गया, यानी कि समरकंद वापस चल गया। आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत होता है, ठीक है, जहां आप लोग मतलब समझ नहीं पाए, तो आप लोग पीछे करके फिर से देखेंगे। ठीक है, और उसमें भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम फिर से चर्चा कर दिया करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, अब देखिए, 100 दिनों तक ही वो समरकंद को रख पाया, फिर से उज़्बेकों ने जीत लिया समरकंद को। अब फिर से समरकंद जो है हाथ से छूट गया। अब फिर एक घटना काबुल और कंधार में घट गया। अब काबुल और कंधार में उसका चाचा शासन कर रहा था, यानी एक तो फिर से जो है समरकंद छूट गया हाथों से, अब फिर से सिर्फ और सिर्फ फरगना बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब कंधार और काबुल में क्या घटना घट गया, कंधार और काबुल में उनका चाचा का शासन था। देखिए थोड़ा सा, देखिए, तो काबुल और कंधार में जो है उनका चाचा का शासन, उनका चाचा का नाम था उलुग बेग मिर्जा। ठीक है, इनका चाचा का नाम था उलुग
बेग मिर्जा, हम शायद मिर्जा के बारे में नहीं बताए, मिर्जा जो है ना जो यहाँ के शासक जो मतलब जो तैमूर थे, जो तैमूर के मतलब वंशज थे, ये उपाधि लेते थे मिर्जा, मिर्जा उपाधि था, जैसे बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उसका मतलब चाचा का नाम मतलब उलुग बेग मिर्जा, ये उपाधि था मिर्जा, ठीक है, वो लोग जो उपाधि, जैसे कि हिंदुस्तान में ये जो सल्तनत काल के शासक थे मतलब सुल्तान उपाधि धारण करते थे, तो वो लोग बादशाह मतलब गाजी ये लोग उपाधि, मिर्जा ये उपाधि धारण करते थे, ठीक है, तो ये उलुग बेग मिर्जा का यहाँ शासन, और कहा जाता है कि इनका चाचा था ये बाबर का, तो बाबर का चाचा को ये वाला क्षेत्र मिला था, उनके पिता को ये वाला क्षेत्र मिला था, ठीक है, शासन, तो यहाँ पे उनके चाचा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो है इनका उलुग बेग मिर्जा का दो पुत्र था, दो पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, तो उलुग बेग मिर्जा का जो पुत्र था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये शासन में बैठा, ठीक है, ये बड़ा पुत्र था, यानी कि बाबर का चचेरा भाई हो गया अब्दुल रज्जाक, ये गद्दी पर बैठा, लेकिन यहीं का एक शासक था, उसका नाम था मुकीम आर्गोन, यहीं का एक शासक था मुकीम आर्गोन, ठीक है, ये मुकीम आर्गोन ने क्या किया, ठीक है, अब्दुल रज्जाक से गद्दी छीन लिया, मुकीम आर्गोन ने अब्दुल रज्जाक से गद्दी छीन लिया, अब गद्दी जब छीन लिया तो अब इसका चाचा का स्थिति जो है कमजोर पड़ गया, इसके जो यहाँ का स्थिति, तब बाबर जो है फरगना से इस ओर काबुल और कंधार की ओर आता है, ठीक है, अपने चाचा की गद्दी को बचाने के लिए, ठीक है, और पहली बार बाबर ने 1504 में, ठीक है, मुकीम आर्गोन पर हमला करता है काबुल और कंधार के क्षेत्रों में, तो अब इधर से फरगना से बाबर कब आया, फिर 1504 में, 1504 में काबुल और कंधार पे आक्रमण करता है मुकीम आर्गोन पर, और पहली बार, ठीक है, काबुल और कंधार को वो जीत लेता है, ठीक है, काबुल और कंधार को जीत लेता है, और काबुल और कंधार में गजनी भी शामिल था, आपको पता है कि गजनी यहीं पड़ता है यहाँ पे अफगानिस्तान में, ये गजनी, ठीक है, तो काबुल कंधार गजनी ये पूरे क्षेत्रों को, ठीक है, बाबर जीत लेता है, अब बाबर के क्षेत्र में कंधार काबुल गजनी फरगना ये पूरा क्षेत्र आ गया, ठीक है, अब देखिएगा पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं कैसे कैसे बाबर के साथ परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अब जब काबुल कंधार और फरगना ये पूरे क्षेत्रों में आया, अब याद कीजिए समरकंद में जो है सैबानी खान उज्बेकों का कब्जा था, क्योंकि फिर से इसने पुनः जीत लिया था, वहां पे कहा जाता है सैबानी खान की मृत्यु हो गई, अब उज्बेक नेता जब सैबानी खान की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो बाबर को फिर से एक मौका मिल गया कि फिर से मतलब समरकंद पे कब्जा करने का, तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने ईरान का शासक था, ठीक है, शाह इस्माइल, अब देखिए तो अब ये आपका ईरान है, यहाँ का शासक ये आपका ईरान है, यहाँ का शासक था शाह इस्माइल, ठीक है, अब ये शाह इस्माइल, देखिएगा आप लोग एक एक करके घटना को नीचे करके लिखिएगा, ठीक है, यानी इसको मिटाइएगा फिर नीचे चलते जाइएगा, मेरा जगह का कमी है इसीलिए मैं इसे लिख रहे हैं, ठीक है, अब ईरान का शासक था शाह इस्माइल का सहयोग जो है बाबर इस क्षेत्रों से लेता है, यानी कंधार और काबुल में बाबर था, तो बाबर ने जो है शाह इस्माइल का सहयोग लिया, और इसके सहयोग से फिर से जो है समरकंद को जीता, ठीक है, इस बार इसने समरकंद को ही नहीं जीता, ठीक है, इस बार जो है इसने, अब देखे शाह इस्माइल के सहयोग से इसने समरकंद को जीता, समरकंद, ठीक है, फरगना तो इसके अधिकार में था ही, फरगना, उसके बाद फरगना समरकंद, और इसके बाद उसी के आसपास में जो इलाका था इस बार खुरासान बुखारा इन सब क्षेत्रों को जीता, देखिए खुरासान को जीता, खुरासान, ठीक है, बुखारा, ये सारा खुरासान, ये ईरान का जो ये वाला इलाका है ना, ये उत्तर पश्चिम का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका, ये वाला खुरासान है, ठीक है, और बुखारा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, आप लोग एक बार इतिहास में देखिएगा, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के आसपास में सीमा के पास बुखारा, ठीक है, तो इस बार समरकंद फरगना खुरासान बुखारा ये सारे क्षेत्रों पर कब्जा हो गया बाबर का, यानी कि अब बाबर का क्षेत्र ये पूरे क्षेत्रों में आ गया, ठीक है, ये पूरे क्षेत्रों में आ गया, अब क्या स्थिति बन गया, ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जब बाबर जीत ही लिया, तो अब बाबर के पास क्या समस्या आ गया कि बाबर को जो है इस क्षेत्र को छोड़ करके भागना पड़ा, क्या स्थिति बन गया,
तो याद कीजिए शाह इस्माइल के सहयोग से उसने क्या किया, उस क्षेत्रों को जीता। अब इससे आगे की घटना को हम लोग देखते हैं। ये पूरा पृष्ठभूमि है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो बाबर को पूरा पूरा समझ लीजिएगा आप लोग। आप लोग रचते हैं, आजकल रचने का तो है ही नहीं। अब देखिए स्थिति क्या बन गया। अब देखिए बाबर के क्षेत्र में समरकंद आ गया, फरगना आ गया, काबुल, कंधार, गजनी, खुरासन, बुखारा, ये सारा क्षेत्र जब आ गया तब ऐसा क्या स्थिति बन गया जो कि बाबर जो है भारत की ओर अग्रसर हुआ। क्या कारण हुआ जो हिंदुस्तान की धरती पर बाबर आया, बाबर के पास क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। कहते जब तक समस्या नहीं आता है तब तक समाधान नहीं ढूंढते हम लोग, इसीलिए जीवन में समस्या का आना बहुत जरूरी है, परिस्थितियों का आना जरूरी है। जब तक विषम परिस्थिति मेरे पास नहीं आता तब तक हम लोग समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, बस गटर में जी रहे हैं, उसी में जीने में हमेशा रहते हैं। इसलिए जब जीवन में समस्या आती है तब हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं, तो जीवन में एक नई चीजें सीखने के लिए मिलता है और उससे इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए समस्या आना जरूरी है जीवन में, ठीक है, क्योंकि वो एक नई सीख दे करके जाता है। चलिए अब देखिए जब इसने ईरान के शासक शाह इस्माइल के सहयोग से समरकंद को जीता, तो याद कीजिए अब शाह इस्माइल जो है ईरान का शासक है। आज भी ईरान में जो है शिया मुस्लिम जो है दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी, और कई सारा बहारा है, कई सारा भाग उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। तो ये शाह इस्माइल शिया था, जबकि बाबर जो है बाबर क्या था, बाबर सुन्नी था, ठीक है, बाबर जो है सुन्नी था, और बाबर के फरगना समरकंद इन सब इलाकों में जो है, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम था, बाबर के क्षेत्रों में ये इसी का वर्चस्व था, ठीक है। शाह इस्माइल शिया था, और शिया जो है आपको पता है अभी भी ईरान में दुनिया में एकमात्र देश है जहां सबसे अधिक मात्रा में मतलब शिया मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, बाकी अधिकतर क्षेत्रों में सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन ईरान में जो मूल शिया मुस्लिम है वो वहां रहते हैं, ठीक है, अभी भी। तो अब ये शाह इस्माइल मतलब शिया है, और शिया और सुन्नी में आप लोगों को पता है कि पूरा मतभेद चलता रहता है। अब जब इसने शाह इस्माइल शिया मतलब मुस्लिम के सहयोग से जब इस क्षेत्रों को जीता, जिसके कारण से यहाँ की जनता ने जो है मतलब बाबर से वहां की जनता नाराज हो गया, वहां के जितने प्रशासनिक अधिकारी थे बाबर का सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके कारण से फिर से जो है समरकंद और बुखारा जो है बाबर के हाथों से निकल गया, ठीक है, वहां की जनता ने इसका खिलाफ कर दिया, क्योंकि वो शाह इस्माइल के सहयोग से सत्ता को हासिल किया, शाह इस्माइल शिया है। अब इसके कारण से क्या हो गया कि बाबर का जो है सत्ता वहां से समरकंद और फरगना से फिर से हट गया, प्लस में शाह इस्माइल का जो मतलब सपोर्ट था उसका दोस्ताना रिश्ता भी खत्म हो गया। अब बाबर के पास क्या बचा, उसका संबंध भी खराब हो गया, तो फिर बाबर जो है काबुल और कंधार के क्षेत्रों में, अब यहाँ हालत खराब हो गया, फिर बाबर काबुल और कंधार के क्षेत्र में आया, लेकिन काबुल और कंधार के क्षेत्रों में बाबर का फिर विरोध होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अलग अलग शासकों ने बाबर का विरोध किया। अब जब बाबर का विरोध किया तो बाबर के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था, बाबर अपने सैनिकों के साथ भटकता रहा था, ठीक है, दर दर, जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि मतलब काबुल और कंधार में जब आया वो बाबर, तो अपने सैनिकों के साथ वो दर दर भटक रहा था, उसको कहीं रहने का आवास नहीं मिल रहा था, बाबर को अपने सैनिकों के साथ जंगलों में भटक रहा था, उनको रहने का आवास नहीं मिल रहा था। इसलिए बाबर ने फैसला किया कि अब वो कहाँ आक्रमण करेगा, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, इसीलिए भारत का उत्तर पश्चिम की ओर बाबर आक्रमण करेगा लगातार, पानीपत की प्रथम युद्ध से पहले, ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध से पहले बाबर जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में चार आक्रमण करेगा लगातार, ठीक है, इसलिए बाबर जो है इस क्षेत्रों में आक्रमण किया, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बातें कही है, ठीक है, लेकिन उनके पास सच तो यही कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए बाबर ने जो है इस ओर अग्रसर किया, दर दर भटक रहा था जंगलों में, और उतने क्षेत्रों को जीतने के बावजूद भी,
ठीक है। इसलिए बाबर ने जो है सबसे पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चार चार आक्रमण किया। ये पानीपत युद्ध से पहले किया था, तो उस चारों आक्रमण को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बाबर ने जो है चार आक्रमण जो किया पानीपत के युद्ध से पहले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत की युद्ध से पहले उसने चार आक्रमण किया, चारों में, ठीक है, एक एक करके हम लोग। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में पड़ता है, 1519 में उसने आक्रमण किया भेड़ा का किला पर और बाजूर का किला पर, ठीक है। और ये जो दोनों जो है मुल्तान, अफगान पाकिस्तान का मुल्तान और पंजाब प्रांत में पड़ता है, ठीक है। जो भारत का उत्तर पश्चिम का इलाका था यही दरवाजा था भारत आने का। आपको पता है कि जितना भी आक्रमण हुआ है हिंदुस्तान में इसी वर्ष उत्तर पश्चिम से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1519 में उसने पहली बार आक्रमण किया बाजूर का किला पर, बाजूर का किला और प्लस में भेड़ा का किला पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बाजूर और भेड़ा का किला 1519 में इसने यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। और 1519 में उसने पेशावर में आक्रमण किया, ठीक है। 1519 में ये दूसरा आक्रमण उसने किया, दूसरा आक्रमण पेशावर में, पेशावर ये दूसरा आक्रमण था उसका 1519 में। तो पानीपत के युद्ध से पहले चार किया था, तो बाजौर और भेड़ा का किला पर और पेशावर में किया था, ठीक है, 1519 में। फिर उसने तीसरा आक्रमण 1520 में किया, ठीक है, एकदम तीसरा आक्रमण उसने जस्ट एक साल बाद 1520 में किया, ठीक है, 1520 में। 1520 में इसने फिर से भेड़ा और बाजौर का किला को जीता, क्योंकि बाजौर और भेड़ा का किला इस बीच में स्वतंत्र हो गया था, इसीलिए फिर से 1520 में भेड़ा और बाजौर को फिर से जीता, भेड़ा प्लस बाजौर को 1500 फिर से जीता 1520 में, क्योंकि ये बीच में स्वतंत्र हो गया था। और साथ साथ इसने सियालकोट को भी जीता जो पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसने सियालकोट, सियालकोट ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, सियालकोट को भी जीता इस बार, ठीक है। और ये सारा मतलब उसने 1520 में जीता था, ये तीसरा आक्रमण था उसका। और उसके बाद जो चौथी बार उसने आक्रमण किया, चौथी बार जब आक्रमण किया 1524 में किया, और इस बार उसने लाहौर, मुल्तान, देपालपुर, ठीक है, इन सब, तो चौथी बार में 1524 में किया था। और इस बार उसने कौन सा क्षेत्र को जीता, पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर प्लस में मुल्तान, मुल्तान प्लस में देपालपुर, देपालपुर। अब इन क्षेत्रों को यानी कि उत्तर पश्चिम का पूरा क्षेत्र को बाबर ने जीत लिया। अब दिल्ली सल्तनत में अभी इब्राहिम लोदी लोदी वंश की सत्ता है। अब हम लोग एक तरफ लोदी वंश को समझेंगे कि हालात लोदी वंश का क्या है, ठीक है। यानी उत्तर पश्चिम का जो आने का रास्ता है, जो मजबूत रास्ता है, उस पर बाबर का कब्जा हो चुका है, ठीक है। बाबर का कब्जा हो चुका है वहां पे, पूरा तरीके से वो जीत चुका है, यानी हिंदुस्तान आने के लिए अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर पश्चिम का जो मजबूत क्षेत्र है जहां से हमेशा आक्रमण होता रहा है, वहां पे बाबर ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उस क्षेत्रों को जीत लिया था। अब इस समय भारत का राजनीतिक कंडीशन समझना है कि भारत का राजनीतिक कंडीशन क्या है इस समय, ठीक है। बाबर जो है कुछ मात्र सैनिक लेकर के वहां से आया और इस क्षेत्रों को जीत करके अपना कंडीशन मजबूत करके हिंदुस्तान के शासक से कैसे लड़ गया जिसके पास बहुत विशाल सेना थी, ठीक है। हिंदुस्तान का स्थिति क्या था इस समय, इन सभी को अब समझना है। तो बाबर का पानीपत के युद्ध से पहले इस चार मतलब क्षेत्रों पे आक्रमण किया, 1519 में 1520 में 1524 में, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये पानीपत के युद्ध से पहले का आक्रमण है बाबर का। उसके बाद जो है हिंदुस्तान का वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक कंडीशन है, इसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी अब देखे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत इस समय सिमट करके रह गया, ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में है। गुजरात स्वतंत्र है, इधर जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र है, इधर राजस्थान में जो ये इलाका है मेवाड़ का इलाका, यहाँ का शासक है राणा सांगा जो बहुत ही योग्य शासक है, जो दिल्ली को चाह रहा है। आप याद कीजिए दक्षिण में इसी समय दो साम्राज्य है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, बंगाल और बिहार भी, बिहार में लोहानी वंश की सत्ता आ चुका है, बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। और ये जो पंजाब का क्षेत्र यहाँ पे, पंजाब में यहाँ पे, ठीक है, इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक है, दौलत खान, वो जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ था, उसी ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था। तो अब हिंदुस्तान का राजनीतिक कंडीशन को हम लोगों को समझना है कि हिंदुस्तान का राजनीतिक कंडीशन क्या है,
प्लस में हम लोगों को अगले क्लास में ये देखना है कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करना है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा बाबर का आने का रास्ता साफ कर लिए, बाबर कहाँ का शासक था, उसके वंशज को हम लोग देख लिए, बाबर क्यों हिंदुस्तान की ओर आया, क्या परिस्थितियां बनी, ठीक है, इन सब को हम लोग आज समझ लिए। और मैप के माध्यम से आप लोग भी मैप को बना लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्लास कीजिए कंटिन्यू, प्लस में जो आप लोगों का बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कीजिए आप लोग, बीपीएससी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम लेगा बीपीएससी या कोई भी सिविल सेवा, अब उसमें तुक्का मारने वाला स्टूडेंट का तो होने वाला नहीं है, चाहे बीपीएससी रहे या यूपीएससी रहे। इस बार जो भी यूपीएससी एग्जाम लिए 2023 का प्रीलिम्स, उसका क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा सा ये क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए अब एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज होता जा रहा है। अब वही छात्र निकाल पाएंगे जो सीरियस होकर के कंटिन्यूअस 24 घंटा में मेहनत एकदम सीरियस तरीके से 18 घंटा 17 घंटा उसी क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, मतलब ये नहीं कि पढ़ते रहते हैं, मतलब उसी क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं कि मुझे बीपीएससी करना है या मुझे आईएएस करना है, ठीक है, इसलिए अब मतलब तैयारी अब उतना भी ये नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो सीरियस रहेंगे उसका होगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में इसका चर्चा करेंगे, इससे आगे इब्राहिम लोदी और पानीपत का युद्ध को। तो आज यहीं तक रहने दीजिए और फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।